श्योपुर जिले के विकलांगों ने सरकार से नाराजगी दिखाते हुए विकलांग दिवस पर होने वाले आयोजनों का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, विकलांगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिले के गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही हाथों में अपनी मांगों को लिखे हुए स्लोगन की तख्तियां लहराई, जिन पर प्रदर्शनकारियों की मांगे लिखी हुई थी। हम हमारे हक के लिए आए हैं, हमको भी रोजगार चाहिए और हमारा कोई सम्मान नहीं है यहाँ पे। हम विकलांगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारी मांग ये है कि जो हमारे विकलांग भाई है जिन्होंने MA BA कर रखा है, वो आज बेचारे फल फ्रूट का ठेला लगा रहे, कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहे और बेचारे जो मोटर वायरिंग का काम कर रहे, क्यों उनके साथ ऐसा होया जा रहा है। हम चाहते हैं उनको या टीचर की नौकरी दी जाए, MP सरकार से गुजारिश है टीचर की नौकरी दी जाए या कोई गवर्नमेंट कोई सी छोटी मोटी जॉब दी जाए उनको, पर ये तो कोई हो नहीं पा रहा। विश्व विकलांग दिवस का बहिष्कार किया जाता है। विकलांगों की मांग ये है कि विकलांगों को निराश्रित पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह की जाए। विकलांगों के लिए पंचायत से लेकर लोकसभा तक आरक्षित विकलांगों की आरक्षित सीट की जाए। श्योपुर से मयंक दुबे की रिपोर्ट।